अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और रूस तक पिछले कई दशकों से अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिशों में लगे हुए हैं। अभी तक कोई भी इस पर अपनी कोशिश जो करने में लगा हुआ है उस पर सफल नहीं हो सका। अब तालिबान फिर से इस देश पर हावी हो गया है और उसने अपना कब्जा कर लिया। पूरे देश में दहशत और डर की स्थिति है। इसके बीच आज हम आपको उस भारतीय राजा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने बिना किसी खून बहाए ही अफगानिस्तान को जीत लिया था और वो भी बस 500 हाथियों की बदौलत। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं newsnumber.com। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम newsnumber.com। ये तो सभी को मालूम है कि इस देश पर कोई भी अभी तक कब्जा करने में सफल नहीं हो सका, मगर भारत के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने बिना युद्ध की रणनीतियों का प्रयोग किए ही अफगानिस्तान को जीत लिया था और भारत की सीमा में मिला लिया था। इतिहासकार इस घटना को किसी भारतीय राजा की पहली बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर भी देखते हैं। इतिहासकारों की माने तो भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते आज के नहीं बल्कि कई सदी पुराने हैं। भारत और अफगानिस्तान को सिंधु घाटी सभ्यता से भी जोड़कर देखा जाता है। उत्तरी अफगानिस्तान में बहने वाली नदी आमू दरिया में सिंधु कॉलोनी थी जिसका प्रयोग ट्रेड के लिए किया जाता था। जस्टिन और ग्रीक रोमन इतिहासकार प्लूटार्क ने भारतीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर के बीच रिश्तों के बारे में बताया है। अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस ने एक बार मौजूदा अफगानिस्तान जो तब कंधार में हुआ करता था उसको जीत लिया था और पश्चिमी भारत के सरहद तक धमक दिखा दी। ऐसे में चंद्रगुप्त मौर्य भी देश की सीमा की रक्षा के लिए वहां पर पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध एक संधि या समझौते के साथ खत्म हो सका था। इस संधि के तहत 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को अफगानिस्तान सौंप दिया था। इस जंग के बाद मौर्य वंश और प्राचीन ग्रीक साम्राज्य के बीच कूटनीतिक रिश्ते बन सके थे। इतिहासकारों के मुताबिक ग्रीक साम्राज्य के कांधार के अलावा अफगानिस्तान के दूसरे इलाके और भारत पर चंद्रगुप्त का शासन स्वीकार कर लिया था। इसी दोस्ती के बदले चंद्रगुप्त ने महावतों के साथ 500 हाथी और मुलाजिम, कुछ सामान और इसके साथ ही अनाज यूनान, जिसे अब ग्रीस कहते हैं, वहां पर भेजा था। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज को मौर्य के दरबार में नियुक्त किया गया था। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के कार्यकाल पर किताब इंडिया लिखी है जो बहुत लोकप्रिय हुई थी। इस किताब में ही उस समय की सारी जानकारी मौजूद है। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते महान सम्राट अशोक ने भी अफगानिस्तान पर शासन किया था। सम्राट अशोक की बदौलत ही अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ था। चलिए अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त महान के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी हमें जैन और बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है। विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंद पुत्र न कहकर मौर्य पुत्र कहा गया है। ये भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त भील महिला के पुत्र थे। ये महिला धनानंद के राज्य में नर्तकी थी जिसे राज्य छोड़कर जाने का आदेश दिया गया था और वो महिला जंगल में रहकर जैसे तैसे अपने दिन गुजार रही थी। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईस्वी पूर्व में मौर्य अथवा मौर्य वंश के कुल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूरा था। अन्य ये मानते हैं कि वो मयूर टोमर्स के मोरिया जनजाति के थे। कहते हैं कि वो जन्म से ही गरीब थे। उनके पिता नंदो की सेना में एक अधिकारी थे जो किसी कारणवश नंदो द्वारा मार दिए गए, यानी उनके जन्म लेने से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। जब चंद्रगुप्त 10 साल के थे तो उनकी माँ मूरा का भी देहांत हो गया और तब से उनकी परवरिश आचार्य चाणक्य ने की थी। चाणक्य और पोरस की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठे और चंद्रगुप्त ने यूनानियों के अधिकार से पंजाब को मुक्त करा लिया। चंद्रगुप्त ने नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित किया। 25 साल की अल्पायु में मगध के सिंहासन की बागडोर संभाल ली थी। चंद्रगुप्त का नाम प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य रुद्रदामन का एक तरीके से जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध बड़ा व्यवस्थित था। इसका जो परिचय है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के विवरण और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र था। 18 महाजनपदों में बटे भारत में उसका जनपद सबसे शक्तिशाली था। चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्व मगध पर क्रूर धनानंद का शासन था जो बिंबिसार और अजातशत्रु का वंशज था। चाणक्य शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य का धनानंद से जो युद्ध हुआ था उससे देश का इतिहास बदल कर रख दिया। प्राचीन भारत के 18 जनपदों में से एक था महान जनपद मगध। मगध का राजा था धनानंद। इस युद्ध के बारे में सभी जानते हैं। चंद्रगुप्त ने उसके शासन को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की स्थापना की। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।